नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं पोस्ट ऑफिस की एक धमाकेदार स्कीम के बारे में, जिसके अंदर काफ़ी अच्छा रिटर्न है। पोस्ट ऑफिस में जितनी भी स्कीमें चल रही है उसमें सबसे ज़्यादा रिटर्न इस स्कीम के अंदर है, इसलिए काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। दोस्तों, पोस्ट ऑफिस मतलब क्या? पोस्ट ऑफिस मतलब भरोसा। इसके अंदर आप कितना भी पैसा डालो कोई टेंशन नहीं। मानो कि बैंक के अंदर आपने पैसा लगाया तो उसके अंदर तो 5 लाख का बीमा रहता है। 5 लाख के ऊपर अगर आपका पैसा जाता है और बैंक को अगर कल कुछ हो जाता है तो सरकार खाली 5 लाख की गारंटी है, बाकी आपका पैसा गया। तो इसके मुताबिक पोस्ट ऑफिस तो काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। और इसके अंदर भी ये जो स्कीम है वो तो बहुत ही बढ़िया स्कीम है। इसके अंदर आप पैसा लगाओगे तो काफ़ी अच्छा रिटर्न मिलने वाला है दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप नए हैं चैनल तो सब्सक्राइब कर लो मेरे यारों, और वीडियो को लाइक कर दो मेरे दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों बात करें तो ये स्कीम का नाम है पोस्ट ऑफिस की सबसे बढ़िया स्कीम है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। बढ़िया क्यों मैं बोल रहा हूँ इसको? क्योंकि इसके अंदर आप दूसरे स्कीम के कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट है और दूसरा सिक्योर भी है। अभी दोस्तों हम बात करें तो NSE स्कीम के अंदर क्या है रेट ऑफ इंटरेस्ट? इसका दोस्तों रेट ऑफ इंटरेस्ट है 7.7, यानी कि 7.5% से ज़्यादा आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलना है, जो कि MIS और RD दोनों के कंपेरिजन से आपको ज़्यादा ब्याज मिल रहा है। अभी दोस्तों बात करते हैं NSE कौन कौन खुलवा सकता है। दोस्तों, ये भारत का कोई भी नागरिक खुलवा सकता है। आप सिंगल भी खुलवा सकते हो, जॉइंट भी खुलवा सकते हो। अगर आपके घर में बच्चा है तो गार्डियन के साथ खुलवा सकता है। 10 साल के ऊपर का बच्चा है तो सिंगल भी खोल सकता है। ये तो बात हो गई अकाउंट ओपनिंग के बारे में। अभी दोस्तों इसके अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिपॉजिट। डिपॉजिट के बारे में हम बात करें तो आप इसमें कितना इन्वेस्टमेंट कर सकते हो? इसके अंदर आप मिनिमम 1000 का इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, यानी कि 1000 रुपये भर के आप आराम से NSE खुलवा सकते हो। और मैक्सिमम दोस्तों इसकी कोई लिमिट नहीं, जितनी आपकी कैपेसिटी है उसके हिसाब से आप इसमें पैसा डाल सकते हो। 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, जितनी मर्जी चाहिए आप पैसा यहाँ पर लगा सकते हो दोस्तों। और बात करें तो आप मल्टीपल अकाउंट भी इसके अंदर खोल सकते हो, यानी कि आपने मानो के 10,000 इन्वेस्टमेंट किया, अभी आपकी इच्छा है और मैं 10,000 करूँ तो दूसरा अकाउंट खुल जाएगा, और मैं 10,000 करूँ तो तीसरा अकाउंट खुल जाएगा। ऐसे मल्टीपल अकाउंट आप खोल सकते हो। ये तो बात हो गई अकाउंट ओपनिंग और डिपॉजिट की। अभी दोस्तों बात करते हैं प्री क्लोजर, यानी कि बीच में आपको बंद करवाना है। तो दोस्तों ये स्कीम का टेनर 5 साल का है। अगर बीच में बंद करवाना है तो नहीं होगा भाई। ये स्कीम का खास बात यही है, बीच में बंद नहीं होगा। किस केस में होगा? अगर आदमी मर जाता है, यानी कि डेथ हो जाती है तो बंद हो जाएगा। और आपको मानो के पैसे की ज़रूरत है तो क्या करना है? NSE जाके बैंक में रख देना है, भाई मुझे लोन दो, तो यहाँ पे आपको लोन मिल जाएगा। लेकिन वो लोन आप भरते नहीं हो और NPA हो गया तो बैंक के द्वारा वो NSE क्लोज करके आपका लोन का पैसा वापस ले लिया जाएगा। वो तीसरा है कोर्ट ऑर्डर, यानी कि कोई आपने लोचा लफड़ा मारा है तो कोर्ट से ऑर्डर आ सकता है, भाई इसकी NSE क्लोज करो और पैसा रिकवर करो। तो वहाँ पे आपको प्री क्लोजर हो सकता है, बाकी नहीं हो सकता। अभी दोस्तों हम बात करें इसके अंदर इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट इसके अंदर 31 मार्च को जमा हो जाता है। और इंटरेस्ट हर साल मिलता है। मानो कि इस साल इंटरेस्ट मिला, फिर अगले साल उसके ऊपर भी इंटरेस्ट मिलेगा। इसी चक्कर में इसमें ज़्यादा ब्याज मिलता है। अभी दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण यानी कि इम्पोर्टेंट बात आती है टैक्स। इसमें अंदर 80C के अंदर आपको बाद मिलता है 1.5 लाख तक, यानी कि 1.5 लाख आपने इसमें इन्वेस्टमेंट किया तो 80C के अंदर आप आराम से बाद ले सकते हो। और इसमें TDS कटता है, आपको ध्यान देने वाली बात है। अगर आप टैक्स स्लेब के अंदर आते हो तो अगर आपका टैक्सेबल इनकम बनता है तो TDS कटेगा, अगर नहीं बनता है तो आप फॉर्म भर के दे दीजिए तो TDS नहीं काटा जाएगा। अभी दोस्तों हम बात करते हैं आप कितना पैसा इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको कितना पैसा मिलेगा। दोस्तों यहाँ पे हम देखें, सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं 10 लाख रुपये का। अगर आपने 10 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट किया और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 7.7, तो आपको टोटल जो रिटर्न मिलेगा 4,49,000, और टोटल मैच्योरिटी टोटल अमाउंट होगा 14,49,000, यानी कि आप आराम से यहाँ पे 4.5 लाख रुपये तक कमा सकते हो 10 लाख के ऊपर, वो भी 5 साल में। अभी दोस्तों बात करें तो 5 लाख की, 5 लाख अगर आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको यहाँ पे रिटर्न मिलेगा 7.7, और उसके सामने आपको इन्वेस्टमेंट का रिटर्न मिलने वाला है 2,24,500, और टोटल अमाउंट हो जाएगी 7,24,500। ये 5 लाख में आप यहाँ पे 7.5 लाख, 7.25 लाख रुपया तक आराम से बना सकते हो। अभी दोस्तों हम बात करें तो मानो कि 1 लाख हमने इन्वेस्टमेंट किया, रिटर्न है 7.7, तो यहाँ पे आपको मिलेगा 44,900 रुपया, और
टोटल जो इन्वेस्टमेंट होगा 5 साल के बाद आपका मैच्योरिटी के टाइम पे 144,900 रुपया। तो दोस्तों काफी अच्छा स्कीम है, आज ही आप पोस्ट ऑफिस में जाइए और अकाउंट खुलवा लीजिए। जय हिंद जय भारत।